स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो है स्केटरिंग ऑफ लाइट। ये ह्यूमन आई की लास्ट वीडियो है बेटा, क्लियर? क्लास 10th की लास्ट वीडियो, बहुत इजी है। टॉपिक है स्केटरिंग ऑफ लाइट। बेटा, स्केटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? स्केटर होना, लाइट क्या होती है, स्केटर का मतलब क्या होता है? थ्रोइंग ऑफ लाइट इन रैंडम डायरेक्शन, थ्रोइंग ऑफ लाइट इन रैंडम डायरेक्शन इज नोन एज स्केटरिंग ऑफ लाइट, रैंडम डायरेक्शन। क्लियर? मतलब लाइट, देखो भाई, पार्टिकल्स अपने आसपास, डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, उसके थ्रू लाइट क्या होती है, स्केटर होती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसको बोलते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? स्केटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? थ्रोइंग ऑफ लाइट इन रैंडम डायरेक्शन, यानी जो डस्ट पार्टिकल्स है वो लाइट को क्या कराते हैं, स्केटर। जैसे ये डस्ट पार्टिकल है, लाइट एंटर होगी तो स्केटर होगी, हर डायरेक्शन में क्या होगी, स्केटर। इसी को बोलते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? डस्ट पार्टिकल के थ्रू लाइट क्या होती है, स्केटर रैंडम डायरेक्शंस में, उसी को बोलते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट। ये सेम चीज अपन ने पढ़ी थी 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 2, कोलाइडल सॉल्यूशन, ओके, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन। उसमें क्या होता था, पार्टिकल स्केटर करते थे, जितना छोटा पार्टिकल उतनी स्केटरिंग कम होती थी। क्लियर? तो देखते हैं इधर। अब स्केटरिंग में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू जो स्केटरिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट बहुत सिंपल है, ये होता है कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट में क्या होता है, एक पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच में गैप होता है, बट इसकी जो ब्रांचेस है वो इसी में भी टच होती है, तो क्या होता है, लाइट ऐसे आती है, वो लाइट क्या आती है, इस डायरेक्शन से भी आ रही है, इस डायरेक्शन से भी आ रही है, इस डायरेक्शन से भी आ रही है, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। किस क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये होता है कैनोपी इन फॉरेस्ट में। क्लियर? दूसरा नॉर्मल सिंपल, एक अपन ने बना रखी, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन डाल रखा है। अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, लाइट पास करी, तो लाइट क्या करेगी, स्केटरिंग करेगी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होगी, स्केटरिंग होगी। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं है, स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर? अब यहां पे स्केटरिंग ऑफ लाइट की जरूरत कहां है, यानी ऐसे कौन से नेचुरल फिनोमिना होते हैं जो स्केटरिंग ऑफ लाइट पे डिपेंड होते हैं, तो देखते हैं नेचुरल फिनोमिना। जैसे अपन ने पिछले टॉपिक में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के भी नेचुरल फिनोमिना पढ़े थे, वैसे ही नेचुरल फिनोमिना रिलेटेड टू स्केटरिंग ऑफ लाइट, रिलेटेड टू स्केटरिंग ऑफ लाइट, SOL लिखा हूं, क्लियर, समझ आ जाएगा, स्केटरिंग ऑफ लाइट। नंबर 1, स्काई अपीयर्स ब्लू इन द स्काई, सॉरी, स्काई ब्लू क्यों अपीयर होती है, पहला कि भैया स्काई ब्लू कलर की क्यों होती है, कभी रेड कलर की हो जाती है, वो कारण क्या है, वो है स्केटरिंग ऑफ लाइट है। अब कैसे होता है, इसको रीजनिंग के थ्रू बताएंगे, लेकिन अपन को लिखना है, तो जैसे मैंने कल बताया था वाई स्टार्स ट्विंकल, तो आप क्या लिखते थे, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो ऐसे ही इसी में क्या लिखना है, ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट, स्काई ब्लू अपीयर क्यों होती है, ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट, ये आपको कॉमनली लिखना है हर टाइम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड क्या है, सन अपीयर्स रेड इन इवनिंग और मॉर्निंग टाइम, यानी सनराइज और सनसेट के टाइम सन कौन से कलर का दिखता है, रेड कलर का, क्यों दिखता है, वो भी ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट, इसका रीजन आगे मैं बताता हूं आपको। थर्ड फिनोमिना क्या है, डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर। डेंजर सिग्नल्स कितने कलर, कौन से कलर के होते हैं, रेड कलर के, क्यों होते हैं, वो कारण, वो भी किसका है, स्केटरिंग ऑफ लाइट का। फोर्थ वन क्या है,
sky appears dark from space, dark or black from space, यानी sky space से अपन को dark color की दिखती है, वो भी क्यों दिखती है? ये सारे क्या है? Scattering of light के phenomena है, clear? अब इन चारों को अपन को देखना पड़ेगा। सेकेंड वाले की एक एक्टिविटी भी है, इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ भी सकती है डायरेक्ट। वो एक्टिविटी अभी 2-3 साल से आ नहीं रही है, इसका मतलब आप मान के चलिए कि वो सेकेंड वाले की एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अपन पढ़ लेते हैं स्काई ब्लू अपीयर क्यों होती है, ठीक है? स्काई का कलर ब्लू क्यों आ रहा है, वो मेन रीजन है अपन का, कि भाई पता तो करना पड़ेगा ना ब्लू कलर क्यों आ रहा है। तो ब्लू कलर पता करने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए स्काई ब्लू कलर क्यों होता है, तो क्वेश्चन लिखेंगे व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। नंबर अपना क्वेश्चन है स्काई ब्लू पे क्यों, तो उससे पहले दो चीजें सुनो बेटा। दो कलर जो होते हैं बहुत ज्यादा स्कैटरिंग कराते हैं, एक तो ब्लू होता है और एक रेड होता है। आपको दो कलर हमेशा याद रखने हैं, क्लियर? मैं पूरा विज्ञान नहीं बोल रहा हूं, आप ढंग से सुनिएगा। केवल दो कलर, रेड और ब्लू। अब ब्लू कलर जो होता है वो किससे स्कैटर होगा? छोटे पार्टिकल से। ब्लू कलर किससे स्कैटर होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनसे कौन सा कलर स्कैटर होता है? ब्लू। और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनसे कौन सा कलर स्कैटर होता है? रेड। हमेशा ध्यान रखना, फाइन पार्टिकल से शॉर्टर वेवलेंथ वाला, दो कलर मैंने आपको बोले रेड और ब्लू, और लार्ज पार्टिकल से, देखो भाई फाइन पार्टिकल से तो ब्लू कलर होगा, लार्ज पार्टिकल से कौन होगा? रेड कलर। हमेशा ध्यान रखिएगा, फाइन पार्टिकल से कौन सा कलर? ब्लू, और लार्ज पार्टिकल से कौन सा कलर? रेड। अब स्केटरिंग कैसे होती है? ये जो फाइन पार्टिकल्स है वो रेड कलर को स्केटर कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फाइन पार्टिकल्स क्या करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर कराने में हेल्प करते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की नहीं। और ब्लू कलर क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ है। अपन विद्योर पढ़ते हैं, उसमें सबसे मैक्सिमम डिविएटेड कलर होता है वायलेट, और सबसे लीस्ट डिविएटेड होता है रेड, यानी रेड डिविएट आसानी से नहीं होता, यानी लॉन्गर वेवलेंथ होती है उसकी। और ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्टर होती है। तो फाइन पार्टिकल्स कौन सी वेवलेंथ के पार्टिकल्स को स्कैटर करा सकते हैं? शॉर्टर वेवलेंथ। और लार्ज पार्टिकल कौन सी वेवलेंथ को? लॉन्गर वेवलेंथ, यानी रेड कलर को। अब यहां पे कारण देखिए, स्काई ब्लू अपीयर क्यों होती है, तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई स्काई ब्लू अपीयर होने का कारण क्या है। एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो केवल एक ही लाइट को स्कैटर करा पाते हैं, कौन सी लाइट? ब्लू लाइट। इसलिए स्काई का कलर क्या होगा? ब्लू होगा, ऑब्वियस है, क्लियर? देखो स्काई में एयर मॉलिक्यूल्स ही है, आसपास अपने फाइन पार्टिकल्स है, वो फाइन पार्टिकल्स कौन से कलर की लाइट को स्कैटर करा सकते हैं? ब्लू की। इसलिए स्काई कौन सी अपीयर होती है? ब्लू होती है। तो फर्स्ट तो ये लिखेंगे ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पहला तो ये लिखोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय फाइन पार्टिकल्स और एयर मॉलिक्यूल्स। देखो स्केटरिंग होगी किसके थ्रू? एयर मॉलिक्यूल्स या फाइन पार्टिकल्स के थ्रू, ठीक है? प्लस दीज पार्टिकल्स स्कैटर, दीज पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट। ये कौन सी स्केटरिंग करा सकते हैं? केवल ब्लू लाइट के पार्ट, ब्लू लाइट ही स्कैटर हो सकती है, यानी शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट। इसके कारण स्काई कौन से कलर की दिखती है? ब्लू कलर की। क्लियर हुआ कि ब्लू कलर की स्काई क्यों दिखेगी? उसका कारण क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ के पार्टिकल्स को क्या कराती है? स्केटर कराती है, जिसके कारण कौन सा कलर आता है? ब्लू कलर आता है। क्लियर हुआ? अब मैं लॉन्गर वेवलेंथ की बात करता हूं, तो लॉन्गर वेवलेंथ में कौन सा कलर आएगा? रेड। उससे पहले एक रीजन अपन और देख लेते हैं कि भाई स्पेस में एस्ट्रोनॉट जो होता है, ठीक है, वो जब स्पेस में जाता है तो उसको जो अपनी स्काई दिखती है वो कौन से कलर की दिखती है? ब्लैक कलर की। वो ब्लैक कलर की क्यों दिखती है, उसका कारण बताता हूं मैं। भाई बाहर क्या है? एयर है क्या? नहीं है। बाहर एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्केटरिंग पॉसिबल है। स्केटरिंग नहीं होगी तो कौन सा कलर आएगा? डार्क कलर आएगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन आता है व्हाई
स्काई अपीयर्स डार्क फ्रॉम स्पेस, स्पेस से स्काई डार्क अपीयर क्यों होती है? ड्यू टू नो स्केटरिंग ऑफ लाइट, स्केटरिंग होती रही है तो कौन सा कलर आएगा? डार्क। स्केटरिंग होगी तो ब्लू और रेड कलर है, स्केटरिंग होगी नहीं तो कौन सा कलर आएगा? डार्क कलर आएगा, जिसको अपन ब्लैक कलर बोलते हैं। क्लियर हो गया दोनों रीजन? क्योंकि बाहर स्केटरिंग नहीं होती तो वहां पे डार्क कलर, और यहाँ पे स्केटरिंग किसके थ्रू होती है? फाइन पार्टिकल्स के थ्रू, तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट आती है जो कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर की। क्लियर हो गया? नेक्स्ट डेंजर सिग्नल वाला देख लो एक बार भाई, डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के क्यों बने होते हैं? क्वेश्चन है व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर, डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के क्यों होते हैं? तो आंसर, रेड इज लीस्ट डिविएटेड कलर, नंबर वन। रेड क्या होता है? लीस्ट डिविएटेड कलर है एंड हैव लॉन्गर वेवलेंथ, यानी दूर से देखा जा सकता है इसको। पहला लीस्ट डिविएटेड कलर है और इसकी वेवलेंथ क्या होती है? लॉन्ग, यानी दूर से भी अपन रेड कलर क्या होता है? कैच हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि भाई रेड इज नॉट अफेक्टेड बाय फॉग एंड स्मोक, यानी फॉग और स्मोक से भी डेंजर सिग्नल्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो रेड कलर जो होता है, क्लियर, रेड कलर जो होता है वो फॉग और स्मोक से भी डिविएट नहीं होता, जिसके कारण जैसे ट्रेन्स होती है, ट्रेन्स में क्या है, रेड सिग्नल इसलिए लगाया जाता है भाई ट्रेन्स में कोई फॉग और स्मोक होगा तो ट्रेन्स को दिखेगा नहीं कि भाई आगे पटरी क्या चल रहा है, पटरी पे कोई ट्रेन है या नहीं है, तो वो सिग्नल कौन काम करता है? रेड काम करता है, रेड से उनको पता है। रेड क्या होता है? फॉग और स्मोक में भी रेड कलर विजिबल होता है, क्लियर, उसकी विजिबिलिटी जीरो नहीं होती, तो इसलिए डेंजर सिग्नल सारे कौन से कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। रेड लीस्ट डिविएटेड है और लॉन्गर वेवलेंथ का कलर होता है। क्लियर? हाँ स्टूडेंट्स, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए, व्हाई सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, यानी सनराइज जब होता है और सनसेट जब होता है तो अपन को सन कौन से कलर का दिखता है? रेड कलर का। वो दिखता क्यों है, उसका कारण अपन को बताना है। तो वो क्यों दिखता है, तो यहां से मैंने एक डायग्राम बना रखा, आपको सच्चे समझ में आएगा। बेटा सनराइज यहां से होगा, ये नून का टाइम है जब सन अपने सर के ऊपर होता है जस्ट अबाउ द हेड, और उसके बाद सनसेट होता है। क्लियर? अब ये अपनी हर पोजीशन पे आई बना रखी है। सनराइज होता है जब देख रहा हूं, सन नून के टाइम पे सन ऊपर होता है जब देख रहा हूं, और सनसेट के टाइम भी देख रहा हूं। अब क्या होता है बेटा, मैंने आपको कहा एक लाइट दो कलर लेके चलनी, ब्लू और रेड। क्लियर? अब देखो जब सनराइज होता है तो सन की अपनी आई से डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। सन की अपनी आई से डिस्टेंस क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा होने के कारण ब्लू लाइट तो भाई ज्यादा है तो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट आनी चाहिए। डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो लॉन्गर वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस ही होता है, यानी लॉन्गर डिस्टेंस की अगर मेरे को लाइट देखनी है तो कौन सा कलर? लॉन्गर वेवलेंथ का कलर। लॉन्गर वेवलेंथ का कलर कौन? रेड। यानी इस टाइम पे सन जो होता है, क्लियर, सन क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी ब्लू लाइट स्कैटर्ड, यानी सन के जो आसपास जो ब्लू कलर की लाइट, सन के आसपास जो पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स क्या करते हैं, ब्लू लाइट को पूरी स्कैटर्ड करा देते हैं। ब्लू लाइट अगर पूरी स्कैटर्ड हो जाती है तो बचती कौन से कलर की लाइट है? रेड लाइट। इसलिए सन कौन सा अपीयर होता है? रेड। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, अब मून के टाइम सबसे कम डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, यानी सबसे कम डिस्टेंस, डिस्टेंस जब कम होती है तो स्केटरिंग पॉसिबिलिटी होती है। अपन ने देखा था रिफ्रैक्शन कराते थे, अगर सीधी लाइट आती है 90 डिग्री पे आती है तो वो अभी सीधी पास हो जाती है, यानी स्केटिंग होती नहीं, तो व्हाइट लाइट ही आएगी। कलर कौन सा आएगा? सन का जो कलर होता है व्हाइट। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये वापस डिस्टेंस ट्रेवल करती है, सनसेट के टाइम ये वापस अपनी आई से बहुत ज्यादा दूर होती है, तो वापस ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड एंड रेड कलर लाइट इज ऑब्जर्व बाय द आई। ठीक है, अब इसको और समझ लो ढंग से बेटा। देखो सनराइज और सनसेट के टाइम अपनी आई को डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ती है उसको देखने के लिए। क्लियर? डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग जर्नी, इस लॉन्ग जर्नी के दौरान वो जो ब्लू कलर की लाइट होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है। अब बचेगी कौन सी कलर की लाइट? रेड कलर की लाइट, जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है। क्लियर? इस लॉन्ग जर्नी के थ्रू मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे, आपको आंसर में यही लिखना है, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे एंड रेड लाइट या रेड कलर अपीयर्स ऑफ द सन। यानी सन का रेड कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट स्कैटर्ड होगी, स्कैटर्ड होगी तो बची लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट व्हिच इज रेड। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट अब इसको एक्टिविटी से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में जाएगा। अब एक्टिविटी समझाता हूँ स्टूडेंट्स, अब एक्टिविटी से देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भाई मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, ये कॉन्वेक्स लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस लिए, ये ग्लास टैंक है ट्रांसपेरेंट जिसमें मैंने वाटर और सल्फर डाल रखा है, सल्फर के पार्टिकल्स क्या होते हैं बहुत फाइन होते हैं, ठीक है, सल्फर और क्या डाल रखा है वाटर, ये कार्डबोर्ड है जिसमें सर्कुलर होल है, फिर लेंस है और ये आपकी स्क्रीन। अब इसको है ना, इसको रियलिटी में ये है भैया सन, क्या है सन, सन क्या करता है अर्थ में जब एंटर होती सन की रेस, ठीक है, तो वो क्या होती है रिफ्रैक्ट होती है, क्यों होती है लेंस है, ऑप्टिकल डेंसिटी इसका फर्क रिफ्रैक्शन तो होगा, मैंने बोला रिफ्रैक्शन किसके थ्रू हो रहा है लेंस के थ्रू, फिर ये अपना एटमॉस्फियर, क्लियर, और ये अपनी आई का फ्रंट पार्ट, ये अपनी आई का लेंस और अपनी आई में स्क्रीन, क्लियर हुआ। इसको एस्टिमेट अपन ने या नेट कैसे किया कि भैया ये सन, सन की रेज जब एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो रिफ्रैक्ट होती है, यानी कोई लेंस होगा, रिफ्रैक्ट के कारण ये एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर के बाद अपनी आंख, आंख का फ्रंट पार्ट, आंख के अंदर लेंस और आंख के अंदर स्क्रीन, ये हुई अपनी बात। अब क्या होता है जब सोर्स ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से पास होती है, अब एटमॉस्फेयर में क्या है फाइन पार्टिकल्स है, एटमॉस्फेयर में क्या है फाइन पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स के थ्रू वो क्या करती है, ये जो ब्लू, अब इसमें जो कलर आएगा ना बेटा वो ब्लू कलर आएगा, ब्लू कलर आने का कारण क्या है, फाइन पार्टिकल्स क्या करा रहे हैं ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर्ड करा देते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट सारी क्या हो गई स्कैटर्ड। अब कौन से कलर की लाइट लेके ये जा रहा है रेड कलर, भाई मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर लाइट क्या होगी स्कैटर्ड होगी, अभी कौन से कलर की लाइट ले जा रहा है रेड कलर, और यहां पे रेड कलर भी बनता है, कौन सा आता है रेड कलर, तो सन अब इनको रेड कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट क्या होगी स्कैटर्ड हो चुकी है, अब उसके पास कलर वाली कौन सी लाइट है रेड, तो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं रेड कलर, जो सन अपीयर रेड क्यों होता है सनराइज और सनसेट के टाइम, उसका कारण है उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, डिस्टेंस ज्यादा होती है तो ब्लू कलर की लाइट तो बीच में स्कैटर्ड होगी पूरी, अब बची कौन सी रेड कलर, और रेड कलर को मैं देखती हूं। अब क्या किया मैंने, ये सोर्स ऑफ लाइट की लेंस लिया, इस पानी में मैंने सल्फर के मॉलिक्यूल डाल दिए जो फाइन पार्टिकल्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे ये लाइट पास होती है फाइन पार्टिकल्स क्या करते हैं स्कैटर्ड करेंगे लाइट को, अब फाइन पार्टिकल कौन से कलर की लाइट को स्कैटर करा सकते हैं शॉर्टर वेवलेंथ यानी ब्लू कलर की, ब्लू कलर स्कैटर होगी, यानी ये पूरा पानी कौन से कलर का हो गया ब्लू कलर का, अब रेज जो होगी अब लॉन्गर वेवलेंथ की तो पास होगी, वो गई अपने आंख के अंदर लेंस उससे रिफ्रैक्ट हुई और स्क्रीन पे अपने को कौन से कलर की दिखेगी रेड कलर, आया आपको समझ में कि रेड कलर क्यों आ रहा है, तो इस एक्टिविटी से आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियोस अच्छे से समझ में आई हो बेटा, चार वीडियोस टोटल अपने पढ़ी ह्यूमन आई में, चारों इंपॉर्टेंट है, मैंने अच्छे से आपको ये चैप्टर पूरा करा दिया है, और किसी को भी कोई डाउट हो कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, आई होप मैं वापस उसको रिवीजन में जब लूंगा उस पूरे चैप्टर को, इस पूरे चैप्टर की रिवीजन की वीडियो बनाऊंगा तब आपको वो समझा दूंगा टॉपिक, क्लियर। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं मेरे को बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, यह चैप्टर यही खत्म होता है, थैंक यू सो मच।